हेलो डियर, तो फाइनली आप सभी के बीच में रिजल्ट तो आ चुका है, बट किसी कारण से रिजल्ट शो अभी नहीं कर रहा है। कारण वही है कि एक बार में जैसे ही न्यूज आया कि रिजल्ट आ चुका है, तो सभी स्टूडेंट अपना अपना रिजल्ट चेक करने के लिए सब कोई बार बार साइट पर जाके सर्च कर रहा है। अब ऐसे में आपको पता होना चाहिए, अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये सब टेक्निकल चीज़ें होती हैं। जैसे ही एक बार में लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट या लार्ज नंबर ऑफ नंबर विजिटर का जब होता है तो साइट स्लो हो जाता है, साइट जो है आपका वीक हो जाता है। जैसे धीरे 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 चीज़ें पुराना होते जाएगा, वैसे वैसे साइट जो है परफॉर्मेंस अच्छा करते जाएगा और वैसे ही रिजल्ट शो करते जाएगा। बहुत लोग मेरे भाई ये बोल रहे हैं कि व्यूज के चक्कर में कुछ भी गलत न्यूज बता देते हो। माय डियर, न मेरा पहले लक्ष्य था कि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन दूं और ना मेरा आगे लक्ष्य होगा कि आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दें। बाकी जो लोगों को ये लगता है कि मैं गलत देता हूं, मैं गलत बताता हूं, उन लोगों को मैं क्या ही कह सकता हूं। बताइए, नहीं रिजल्ट आ रहा था उस पर वीडियो बना देते थे तो लोगों को, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाता था। रिजल्ट आ गया, इस पर वीडियो बना दिए, बता दिए, अब साइट नहीं ओपन हो रहा है, उसका भी ब्लेम। तो मतलब अच्छा कीजिए या गलत कीजिए, गलत करने वाले को तो लोग बोलता ही है, साथ में अपने से कुछ अच्छा भी कीजिएगा फिर भी लोग आप ही को बोलेगा। तो कोई नहीं, वो मेरे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनके बातों को कोई बुरा नहीं है, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ भाई मेरे, ऐसा बात नहीं है कि मैं व्यूज के लिए या मैं ये इरादे के साथ बनाता हूँ कि आप लोग को गलत इन्फॉर्मेशन दूँ, ऐसा कतई नहीं है। अगर ऐसा होता व्यूज के लिए मैं बनाता तो डेली दो वीडियो चार वीडियो मैं रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इधर उधर करके रिजल्ट के रिगार्डिंग वीडियो बनाता और उस पर व्यू जाता और कमेंट में क्या बोलते हैं उसे हमको कोई फर्क नहीं होता। लेकिन कमेंट में हर एक का देखता हूँ, भले मैं उस पर लाइक या जो भी हो कमेंट उस पर रिप्लाई ना दूँ, लेकिन हर एक का मैं कमेंट पढ़ता हूँ कि मेरे भाई मेरे बहन जो भी है क्या बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है माय डियर कि आप सभी को मैं गलत इन्फॉर्मेशन गलत चीज़ें देने के लिए करता हूँ। जैसे जैसे समय ढलते जाएगा, रात ढलते जाएगा, वैसे वैसे जो है आपका वेबसाइट सही से काम करने लगेगा और आपका जो है रिजल्ट चेक होने लगेगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जाकर चेक कर सकते हैं। सीधा क्लिक हेयर लिंक पर क्लिक कीजिएगा, जाइएगा और जाने के बाद वेबसाइट खुलेगा, उसके नीचे क्लिक हेयर के बटन है, उस पर क्लिक करके आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। समझ गए चीज़ों को, रिजल्ट बिल्कुल ऑफिशियल आ चुका है। धैर्य रखिए, इतना दिन धैर्य रखें तो थोड़ा देर और धैर्य रखिए, धीरे धीरे रिजल्ट सबका शो करने लगेगा। ठीक है, तो जो भी लोग का मन में डाउट है कि रिजल्ट क्यों नहीं शो कर रहा है, तो माय डियर रिजल्ट शो होगा धीरे धीरे। अभी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट, बहुत ज़्यादा विजिटर जो है एक साथ वेबसाइट पर सब लोग चेक कर रहे हैं अपना अपना रिजल्ट। आप लोग नॉर्मली देखिए, टेंथ का रिजल्ट जब डिक्लेयर किया जाता है तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन आता है कि रिजल्ट आ गया तो सब लोग चेक करने लगता है। तो शुरू के एक आध दो घंटा ऐसे ही चला जाता है समय, किसी का चेक नहीं हो पाता, किसी का नहीं दिख पाता है, क्योंकि अचानक से साइट पर लोड बढ़ जाता है और साइट तो एक टेक्निकल चीज़ें है, कितना लोड लेगा। तो धीरे धीरे सबको दिखाने लगेगा, अभी साइट फेल बता रहा होगा, ठीक है, काम नहीं कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक वही रहेगा, सेम लिंक रहेगा। धीरे धीरे चेक कीजिएगा तो चेक होने लगेगा, हो सकता है सुबह तक, हो सकता है रात तक भी नहीं शो करे तो सुबह शो करेगा, लेकिन रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो।